करी थी, बट वहाँ से क्योंकि मेरा ना ये कि लुक देख के सिर्फ वो नहीं होना अट्रैक्शन, जब उसने मेरे से बात करी उसका जो टॉकिंग वे था और जो भी उसका नेचर था वो चीज़ मुझे थोड़ा सा इम्प्रेस कर गया। तो आपके साथ साथ सिर्फ आप नहीं फेस करते, आपके माँ बाप भी, लोगों, आपकी फैमिली, आपके पड़ोस वाले कितने ज़्यादा ताने मारते हैं, कितना उल्टा सीधा बोलते हैं, वो आप सबने फेस किया होगा। तो मैं तो यहाँ पे कांपने लगी हूँ क्योंकि जो 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 चीज़ें हुई हैं शायद मैं वो दोहराना नहीं चाहती, मैं रिपीट नहीं करना चाहती। नाइस जोक। नहीं इतना नहीं आता, आ जाता है, बट इतना आ जाता है कि आपकी रोजी रोटी चल जाती है। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। फिलहाल बैठे हैं भाई रोहतक में, हाँ रोहतक में जिस चेहरे तो आज आपकी मुलाकात होगी वह परिचय तक कराने की जरूरत नहीं है मैडम। आप यूट्यूब पर देखे हो गए और एक फिल्म बहुत ही ज़्यादा, एक वेब सीरीज बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है, रमेश रोशनी की लव स्टोरी, जिसकी 2 दिन में 50 मिलियन क्रॉस करका एक अपने आप में रिकॉर्ड बनाया है। तो मैडम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी, हाँ जी, कैसे कैसे आपने, कितनी तकलीफ आई इस फिल्म में, कितना मज़ा आया रमेश रोशनी की लव स्टोरी में? तकलीफ तो देखो कोई भी काम करो तकलीफ तो आती है, बट मज़ा, हाँ टीम अच्छी थी तो एंजॉय भी हुआ, बट सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप कोई भी काम करते हो उससे आपको जो सीखने को मिलता है ना वो आगे काम आता है। जो चीज़ जब हमने पहला शूट किया था तो काफ़ी एक्टिंग मतलब होती है, चाहे कोई एक्टिंग सीखे ना सीखे लेकिन स्टार्टिंग में होती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई स्टार्टिंग में, रीटेक भी बहुत सारे हुए, बट फिर उसके बाद जो चीज़ें खुद से समझी कि हाँ क्या गलतियां हैं, फिर बाद में ऐसा हुआ कि कई कई सीन तो ऐसे हुए जिसमें रीटेक भी नहीं हुआ। हाँ, ऐसा भी हुआ, मतलब वन टेक में काम खत्म कर दिया था। कभी कभी ऐसा नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं होता, सब में कमियां होती हैं, तो कभी कभी ऐसा, बाकी तो अभी चल रहा है, इतना मतलब फ्लुएंस आ गया है कि आप कर सकते हो आगे। इससे पहले और कौन से कर चुके थे आप? इससे पहले मैंने काफ़ी काम किया है, सॉन्ग वगैरह भी किया है, बट जो मेरा पर्दे पे आया, जो लाइक एक्टिंग के रूप में आया, अच्छा प्रोजेक्ट वो यही था रमेश रोशनी के। इसके बाद और कौन से प्रोजेक्ट आए ऑफर आए, क्योंकि वो ज़्यादा सुपर हिट रही है, वायरल हुई है वो स्टोरी, इसके ज़्यादा और कौन से ऑफर आ रही है? देखो ऑफर आते हैं, बट क्या है ना कि मैं जैसे ब्यूटी ब्लॉगर हूँ साथ में, तो फिर मुझे उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, बिकॉज अपना भी है तो उसमें टाइम निकलता है, तो फिर ये देखते हैं कि हाँ मतलब है ये करने लायक है या नहीं। पहली चीज़ तो मैं रोल देखती हूँ कि रोल कैसा है, बिकॉज हमारी फैमिली है, और फिर जैसे रमेश रोशनी की लव स्टोरी थी तो बेसिक था एकदम, उसमें क्या था ना कल्चर भी था, तो कल्चर को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि हाँ ये जो कर रहे हैं ये फैमिली भी देख सकती है या नहीं देख सकती है। तो उसके बाद फिर मैंने शायद ही कोई प्रोजेक्ट किया होगा, 1-2 सॉन्ग किए हैं बीच में, उसके बाद ये वाला प्रोजेक्ट चल रहा है। क्योंकि ऐसे भी कोई ऐसे राइटर हुए हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट लिख दें हमें जिसमें आपने अपना शरीर तक दिखाना पड़ा, ऐसे कोई प्रोजेक्ट में काम करनी सोची तो नहीं? कभी नहीं, बिकॉज मेरे जो पहला जो होता है ना, जो भी मैं काम करती हूँ सबसे पहले मेरे पेरेंट्स देखते हैं, मेरी मम्मी देखती है, मेरी मम्मी को बहुत क्रेज़ है, बिकॉज मेरे पापा कभी मतलब पहले इस लाइन में साथ नहीं देते थे, फिर मेरी मम्मी हमेशा साथ थी, तो मुझे ये था कि यार कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसमें मम्मी को ठेस पहुँचे, क्योंकि मम्मी दुखी होंगी तो मम्मी की वजह से फिर पापा भी मम्मी को बोलेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना था। फिर जब पापा ने देखा कि हाँ ये सही कर रही है, कुछ ऐसा काम नहीं करी, तो फिर अब वो भी सपोर्ट करते हैं ऑलवेज। जैसे कि आपने बताया कि आप एक ब्यूटी ब्लॉगर हो, कैसे मन में आया चैनल बनाना और उसमें जो दिखने में भी कोई नहीं, उसमें लगा लगा का मेकअप, लगा लगा का पाउडर, जब छिक्का दौड़े दौड़े बनाना? देखो पहला जो था, कोरोना ने सबको बेरोजगार कर दिया था ये सब जानते हैं, तो हम टिकटॉक बनाते थे, टिकटॉक से ये था अब किसी को सक्सेस मिलती है नहीं मिलती है, तो मेरा क्या था कि मैंने एक हेयर स्टाइल की वीडियो डाली और वो वीडियो मतलब इतना तेज़ वायरल हो गया, बहुत तेज बढ़ गया, फिर मुझे लगा कि यार जो चीज़ पसंद करते हैं लोग वो करना चाहिए, फिर मैंने और भी हेयर स्टाइल बनाई, मेरे 1 हफ्ते के अंदर 4 लाख फॉलोअर बढ़ गए थे टिकटॉक पे, और मेरी किस्मत इतनी भुंडी कि जैसे ही मेरे फॉलोअर्स बढ़ना स्टार्ट हुए 1 हफ्ते बाद टिकटॉक बैन हो गया। मुझे याद है 29 जून को टिकटॉक बैन हुआ था, 29 या 28 के आसपास, और उसके बाद फिर मैंने अपना, और लोगों ने बोला कि अब हम तुम्हारी वीडियो कहाँ पे देखेंगे, तो फिर मुझे आइडिया उन्होंने ही दिया कि आप यूट्यूब चलाइए, अब हम यूट्यूब पे देखना चाहते हैं,
और यहाँ पे तो शॉर्ट वीडियो होती है, समझ में भी नहीं आता, तो आप यूट्यूब पे डालोगे। तो फिर मैंने वहाँ से यूट्यूब स्टार्ट किया था। ऐसा कोई क्रेज़ नहीं था कि यहाँ पे मेरे को पैसा कमाना है या मुझे चलाना है चैनल, बट लोगों को कहने पे मैंने स्टार्ट किया और बीच में जैसे 7-8 वीडियो बनाई, वीडियो की रीच नहीं आई, फिर बीच में छोड़ दिया। फिर अचानक एक दिन चैनल पे गई, एक वीडियो बहुत तेज़ी से रन करने लगी, फिर मैंने कहा नहीं अब इस पे काम करना पड़ेगा। फिर वहाँ से जो कंटिन्यूटी हुई ना, वहाँ से स्टार्ट किया। फिर मैंने धक्का कितना लगा मित्र, मतलब ये पता चला कि टिकटॉक तो बैन हो लिया? देखो मुझे धक्का तो नहीं लगा था बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं हो सकती है। अगर कोई भी चीज़ गवर्नमेंट के अपोजिट जा रही है या किसी चीज़ तो नेगेटिव में जा रही है, तो वो जानी ही जानी थी। धक्का नहीं लगा था, बट ये दुख हुआ था कि यार मेरी किस्मत पे ही क्यों, मतलब जब मेरा टाइम आया तो ही ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा रुक जाता। पाउडर नहीं, ट्रांजिशन वीडियो शायद मैंने नहीं बनाई, ना वो पाउडर नहीं, वो आटा होता है, बट नहीं मैंने नहीं बनाई। तो बात करेंगे इस लाइन मान का, कुकर मन में आया कि मैंने इस वेब सीरीज में काम करना है, सॉन्ग्स में काम करना है, कुकर मन में आया कि बचपन से इच्छा थी आने की? नहीं, ये इच्छा बचपन से थी, हालांकि ऐसा नहीं है, मैं स्टडी में भी ठीक थी और जैसे मैंने बीएससी किया उसके बाद फिर मैंने बीएड भी किया, तो टीचर के लिए इस लाइन में घुसना बहुत ही, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप टीचर होते हो तो आपकी इमेज भी वही होती है, जब आपके पड़ोस के बच्चे बोलते हैं ये मम्मी ये हमारी टीचर है या जो भी बोलता है, तो फिर वहाँ पे आपकी इमेज सही होनी चाहिए। बिकॉज सॉन्ग में ऐसा होता है आप शॉर्ट पहनते हो या कोई ऐसा सीन है कपल का, तो कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर इंटैक्ट डालता है। तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ी, मैंने अकाउंट्स की जॉब करी, बिकॉज पैसा तो चाहिए था, पॉकेट मनी चाहिए थी। साथ साथ में ये करती गई, फैशन शो अटेंड करना, इवेंट्स में जाना, वहाँ से सीखना, तो वो चीज़ें सीखी। फिर क्रेज़ तो था कि भाई सॉन्ग करना है, कैसे ना कैसे करना है। फिर मतलब सबसे पहला फिर मैंने प्रोजेक्ट मुझे ऐसे फ्रेंड के थ्रू मिला, हमारे कॉलेज फ्रेंड के थ्रू, फिर वहाँ से स्टार्ट किया। फिर बीच में गैप गया, थोड़ा टाइम हुआ, फिर सॉन्ग स्टार्ट किए धीरे धीरे करके, छोटे छोटे प्रोजेक्ट में किया, फिर उसके बाद ये वाली वेब सीरीज़ मुझे मिली। बेसिकली रहने वाले कौन से गाँव के, कौन से शहर से हो? एक्चुअली हमारा जो होम टाउन है वो हमारा फरीदाबाद है, एंड वैसे हम कानपुर से हैं। तो कानपुर वाले ने न्यू को नहीं कहा कि तू छोरी किस लाइन में जाने लग रही है, लाइन अच्छी को नहीं जड़ा, तो वीडियो वाडियो बनावा जाएगा तो बिगड़ ली? ये मैं सबसे क्या बोलूं, जो भी लड़की इस लाइन में है या लड़के भी हैं जो इस लाइन में, मुझे शायद बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता होगा कि आप इस लाइन में आते हो तो आपके साथ साथ सिर्फ आप नहीं फेस करते, आपके माँ बाप भी, लोगों, आपकी फैमिली, आपके पड़ोस वाले कितने ज़्यादा ताने मारते हैं, कितना उल्टा सीधा बोलते हैं, वो आप सब ने फेस किया होगा। तो मैं तो यहाँ पे कांपने लगी हूँ, क्योंकि जो 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 चीज़ें हुई हैं शायद मैं वो दोहराना नहीं चाहती, मैं रिपीट नहीं करना चाहती। तो बात करें आपका कॉलेज टाइम की या स्कूल टाइम की, उसमें अपना कोई ना कोई क्रश रहा है अपनी, मतलब बोल चल चले जाएगा अपनी भी कोई? हाँ कह सकती हूँ था, बट वही है कि मेरी हमारे अंदर ना इतनी हिम्मत नहीं थी, मतलब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि कभी मैं उसे फ्रेंड, हाँ देख लिया, आंखों को सुकून मिल गया, बस काफ़ी है। प्रपोज को नहीं मारा? ना ना ना, प्रपोज मतलब ऐसा नहीं कि इंसान की लाइफ में ऐसा चलता है, बट कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाके उसको बोलूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या लाइक करती हूँ, कभी नहीं, बट ठीक है। हाँ तो क्या नाम था उसका? नहीं नाम नहीं पता नाम नहीं नहीं वीडियो देख रहे अगर समझ तो जाओगे, देख कितना मौका मना, कितना अच्छा मौका था, सुनहरी मौका था, वो मैंने छोड़ दिया। नाम नहीं पता था मुझे, मैंने कभी नाम नहीं पूछा, बिकॉज हम किसी और बैच के थे, वो किसी और बैच के थे। इस बात का ये लड़की मेरे को चाहती है? हाँ हाँ, बिकॉज ऐसा था कि बात उन्होंने ही करी थी, फर्स्ट टाइम बात उन्होंने करी थी, बट वहाँ से क्योंकि मेरा ना ये कि लुक देख के सिर्फ वो नहीं होना अट्रैक्शन, जब उसने मेरे से बात करी, उसका जो टॉकिंग वे था और जो भी उसका नेचर था, वो चीज़ मुझे थोड़ा सा इम्प्रेस कर गया। अच्छा, हाँ तो याद आओ पल जो स्कूल में आप कॉलेज में बितावा, उसमें कितना सिमजा को है, उसमें प्रोग्राम हो है, पार्टी हो है, याद तो आंदी होगी? बहुत याद आता है वो चीज़ें, ऐसा लगता है ना कि अब मतलब जो हम सोचते थे तीन तीन चार चार दिन कॉलेज नहीं जाते थे, अभी ऐसा लगता है कि नहीं यार जाना चाहिए था, क्योंकि हमने वो पल मिस कर दिया, बहुत इन्जॉय किया हमने।
लाइफ में आगे बढ़ने खातर और क्या कुछ सोच रखी है कि आगे मैं इस मुकाम तक पहुँचूँ, और अब अपने आप ने किस मुकाम पर देखो? मैं एक्चुअली मेरा ये चाहती हूँ कि मैं इस लाइन से तो जुड़ी रहूँ, बिकॉज ये मेरा शौक है और ये लाइन ना मुझे सुकून देती है, बहुत सुकून। मैं मतलब एक इनकम तो है बट मुझे जो सुकून मिलता है, अपना स्ट्रेस कम होता है, खुशी मिलती है। बट मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई ऐसा बिजनेस हो, मतलब चाहे छोटा हो चाहे सुकून, बट मेरा वो अपना हो और वो मेरे साथ परमानेंट रहे। तो मैं इसके अपार्ट में भी कुछ करना चाहती हूँ, कोई भी बिजनेस छोटा मोटा कोई भी ऐसा स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो आ जाते हैं 1.5 करोड़ तो भी ना भी। नाइस जोक। नहीं इतना नहीं आता, आ जाता है, बट इतना आ जाता है कि आपकी रोजी रोटी चल जाती है। हाँ। तो आजकल फिलहाल कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो? अभी हमारी ये मूवी की शूटिंग चल रही है, अड़ा सड़ा। हाँ, अड़ा सड़ा, सॉरी मेरा ये परफेक्ट लैंग्वेज नहीं है ये हरियाणवी। हाँ, हरियाणवी लाइन में आगे तो थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा। हाँ, मैं ट्राई कर रही हूँ, बहुत ट्राई कर रही हूँ सीखने की। अपना वर्ड है अड़ा। अड़ा, ओके, अड़ा। कैथल, 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 कैथड, ओके, अड़ा, अड़ा, ओके। देख लो मैं सिखाने लग रही हूं। ओके, यहां टाइम लगेगा सीखने में। एक डायलॉग बोल लो मेरे साथ आप। ठीक है, कि बाजेगा हरियाणा बाजेगा ना तो जूत बाजेगा। ओके, बाजेगा, बाजेगा हरियाणा बाजेगा, ओके, ओके, लठ बाजेगा, बाजेगा हरियाणा बाजेगा ना तो लठ बाजेगा। बाजेगा नहीं बाज जाएगा, बाजेगा, बाजेगा हरियाणा, हरियाणा बाजेगा ना तो लठ बाजेगा। यार खासकर एक ही मार लगाते हो ना, के करो हो। ओके, कट करो। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, ट्राई करते हैं, क्योंकि अभी क्या है ना, थोड़ा जैसे जैसे इसीलिए मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ। सॉन्ग तो करने से क्या है ना, उसमें लैंग्वेज इम्प्रूव नहीं होगी। अगर मैं मूवीज़ करूँगी ना, वेब सीरीज़ करूँगी, तो उसमें मेरी लैंग्वेज इम्प्रूव होगी, तो इसलिए मैं ये वेब सीरीज़ कर रही हूँ अभी। हरियाणा कौन सा गाना ऐसा दिल के पास रहो, बार बार सुनगा जी कर दो? ऐसा कोई गाना नहीं है, बट हाँ फेवरेट गाना है वो। बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, 52 गज का दामन हो गया। नहीं, गाने देखो, 52 गज का गाना, जैसे अगर मैं जिम कर रही हूँ या एक्सरसाइज कर रही हूँ तो बीट वाले म्यूज़िक अच्छे लगते हैं, बट जब खुद को सुकून देना हो, जब बॉडी को डिटॉक्स करना हो, तब फिर वो सैड सॉन्ग वाले जो होते हैं ना, वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। वैसे तो वो सुनते हो, ऐ दिल ऐ दिल तो उसे भूल जाए? ना 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 ना, ना। ये सारे सॉन्ग नहीं सुनती, जैसे कुमार सानू के जो हैं नए वर्जन जो आए हैं गाने के, ये अच्छे लगते हैं, तो इस तरीके के सॉन्ग सुनती हूँ मैं। सुना लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम काट रहे हैं। सर थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत। तो भाई इंटरव्यू देखने पाछे कमेंट कर दे करो कि अपना इंटरव्यू किसा लगा, के कमी लगी, के अच्छी बात लगी, और मैडम में के खासियत लगी आपने, कमेंट जरूर कर दियो नीचे। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा। थैंक यू सो मच।